साथियों, भारत का इतिहास रहा है, जब भी देश को जरूरत हुई है कोई न कोई संत, ऋषि, महान विभूति भारत में जन्म लेते हैं। रविदास जी तो उस भक्ति आंदोलन के महान संत थे जिसने कमजोर और विभाजित हो चुके भारत को नई ऊर्जा दी थी। रविदास जी ने समाज को आजादी का महत्व भी बताया था और सामाजिक विभाजन को भी पाटने का काम किया। ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, इस सब के खिलाफ उन्होंने उस दौर में आवाज उठाई थी। संत रविदास एक ऐसे संत है जिन्हें मत, मजहब, पंथ, विचारधारा की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। रविदास जी सबके हैं और सब रविदास जी के हैं। जगतगुरु रामानंद के शिष्य के रूप में उन्हें वैष्णव समाज भी अपना गुरु मानता है। सिख भाई बहन उन्हें बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं। काशी में रहते हुए उन्होंने मन चंगा तो कठौती में गंगा की शिक्षा दी थी, इसलिए काशी को मानने वाले लोग, मां गंगा में आस्था रखने वाले लोग भी रविदास जी से प्रेरणा लेते हैं। मुझे खुशी है कि आज हमारी सरकार रविदास जी के विचारों को ही आगे बढ़ा रही है। भाजपा सरकार सबकी है, भाजपा सरकार की योजनाएं सबके लिए है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मंत्र आज 140 करोड़ देशवासियों से जुड़ने का मंत्र बन गया है।